अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, मैं हूं रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। आज ईद का दिन है, आप सबको ईद मुबारक, यहाँ वालों को भी, यहाँ वालों को भी और यहाँ वालों को भी। काफी दिनों से कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में कामयाब हो गया कि कोई अच्छा सा शो लेके आऊं, कराची से भी कोई उर्दू अच्छा सा शो शुरू हो। तो अब हो गया है शुरू, जिसका नाम है ऊ लाला। खौतीन हज़रात, ये आज मेरा पहला शो है ईद के दिन। दुआ करें ये ईद हमारी सालों साल चलती रहे और ये शो अल्लाह ताला कामयाब करे। आए मैं अपने सेट का तारुफ कराऊंगा, इतना खूबसूरत तरीन सेट है, अपने ईमान से बताना है ना मजेगा। ये ऊ लाला, ये देखें तस्वीरें, वॉल ऑफ लेजेंड। ये मेरे वो लेजेंड है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वो खिदमात अंजाम दी, दुखी इंसानियत के चेहरे पे मुस्कुराहटें बांटी और मुस्कुराहटें बांटते बांटते हमारे से जुदा हो गए, जिनमें उमर शरीफ, मोइन अख्तर, लियाकत सोल्जर सिकंदर सनम और लाहौर के शहजादे अलबेला साहब और अमानुल्लाह साहब, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुनव्वर जरीफ, रंगीला साहब, अली एजाज लहरी साहब, नन्ना साहब, मस्ताना साहब और बब्बू बिराल साहब। ये वो सितारे हैं जिन्होंने लोगों के चेहरों से नफरतें छीन ली और मुस्कुराहटें बिखेर ली। ये हमारे दिलों में है और हमेशा जिंदा रहेंगे, और जो जिंदा हैं उनके लिए दुआ करें कि वो इसी तरह आप लोगों में खुशियां बिखेरते रहें। इस शो में मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं बिस्मा बाबर, जो मेरे साथ होस्टिंग करेंगी, इस शो को मेरे साथ लेके चलेंगी। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तीन, ये कोई कवाली का उर्स नहीं हो रहा, ये कवाली है, ये म्यूजिशियन है, बड़े अच्छे घराने से ताल्लुक है, बड़े घरानों के बच्चे हैं ये, हैं तो बड़ी बड़ी उम्र के ये लोग, शनाख्ती कार्ड इन्होंने अपने चेंज करवा लिए हैं। सबसे बड़ी उम्र का आदमी ये है जो मफलर पहन के बैठा हुआ है, ये है हारिस असलम जो ड्रम पे है, और ये मुस्तफा कमाल, नहीं माफी चाह रहा हूं, कमाल जो इस वक्त तबले में है। हाय हाय हाय, क्या बात है, मेरा पुराना काम याद आ गया। खातिन हजरात, ये है मोहसिन, बहुत नमाजी परहेजगार बच्चा हमारा, कीबोर्ड पे बैठा हुआ है, मानता नहीं है, गुटका खाना है, क्या करें, मजबूरी है, कराची शहर का आदमी है, पान ना खाए, अरे पान तो हमारी जान है। और मेरी जान का भी टाइम हो गया, शो शुरू हो गया, तारुफ खत्म, ये बिस्मा अभी तक क्यों नहीं आई यार, ये लेट हो गई यार, पहले दिन ही लेट हुई है, मुझे लग रहा है हमेशा ही लेट होगी। मुबारक लाला सर, ईद मुबारक, ईद मुबारक। एक सेकंड, डिस्टेंस डिस्टेंस काय का डिस्टेंस, कोरोना इज फिनिश, कोरोना इज फिनिश, दिस इज डेमोक्रेसी, गले मिलो। एक सेकंड सर, नाजरीन मैं हूं आपकी होस्ट बिस्मा बाबर और आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी सर, अब बोलिए। मेरी तरफ से तुम्हें ईद मुबारक और हमारी आवाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। दो साल बाद ईद आई है, सही मायनों में ईद, जिसको ईद कहते हैं। दोस्तों से गले नहीं मिल सकते थे हम लोग, कोनियों से मिलते थे, ईद मुबारक। अरे ईद मुबारक, ये वो ईद है जो दोस्तों से गले मिले हैं तो ठंडक पड़ गई है, ईद का मजा आ गया। वाकई सर, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली सर, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके हाथ चूमने का ये वक्त हमें दोबारा से मिला है, और ये है कि उनका प्यार, उनकी दुआएं हमें दोबारा से मिली हैं, इसलिए सर ईदी निकालें। मैं निकाल रहा हूँ ईदी, अम्मा के पास जाते थे कोरोना के दौर में, ईद मुबारक अम्मा, हाथ दो चूमना है, नहीं बेटा कोरोना फैला हुआ, नहीं नहीं। चलिए सर ईदी तो दे, लड़कियां हसीन खड़ी हो, ईदी कौन नहीं देता, ये लो 1000 रुपए। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का, 500 रुपए वापिस करो। सर कितने कंजूस हैं आप। कंजूस की क्या बात है, 500 लो बस खत्म, और भी तो औरतें हैं, और भी लड़कियां हैं जिनको मुझे
5,000 देने पड़ते हैं। 5,000? उससे कम लेती भी नहीं है वो। मेरी बीवी है वो ईदी 5,000 लेती है, मेरी बहन है वो 5,000 लेती है, तो देना तो पड़ेगा ना मुझे सबको ईदी। ये तो सर ये नहीं, नहीं दो, ये दो, अब तुम्हें 500 ही दूंगा मैं। अरे ये क्या सर, अब तुम बताओ तुम्हारी ईद कैसे गुजरी? सर मेरी तो बहुत जबरदस्त गुजरी, पूछे कैसे? कैसे सर, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग मिल रहे थे और घर में बिरयानी, सेवइयां, सब चीजें बन रही थी, मजा आ गया ईद का। माशाल्लाह, ऐसे खुश होके बता रही है जैसे पहली दफा पकी है सेवइयां बिरयानी। चले मुबारक हो तुम्हें भी ईद। आए शो का आगाज करते हैं बाकायदा। तो शेरी कर लो, उठो जाओ कर लो सहरी, जरा जल्दी वक्त है थोड़ा ही बाकी। उठ जाओ खा ले खजला फेनी ओ नेस्ती, वरना अब्बा से हो जाएगी बेस्ती। लड़की तू है कितनी प्यारी और तू है भारी, निकाल ईदी हमारी। अरे भाई एक सेकंड, एक सेकंड, ये आप कौन से अभी उठाने के लिए हमें आए हैं? अभी आज ईद, ईद ईद के दिन कौन रोजा रखता है? कौन उठाता है जो तू अभी आया उठाने के लिए? तो भाई लोग सोते हैं ईद वाले दिन है, रमजान में तो सब जागते ही रहते, सेहरी तक जाग रहे होते हैं सारे के सारे। रात 4 बजे तक भी ऐसा रश होता है खारादर में, रणछोलेन में, हर जगह पे लियाकताबाद एरिया में इतना रश होता है। रात को 4 बजे भी लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं गली के अंदर, और 4 बजे बच्चे 14-14 साल के बच्चे, लाला भाई 14-14 साल के बच्चे जो ना अपने अब्बा के पान लेने जा रहे होते हैं 4 बजे। तो 4 बजे पान लेने जाएंगे और क्या, अब्बा को ये टाइम अच्छा मिल जाता है, 4 बजे का इनको भेज देते। अब उन इलाकों में जगाने का कोई फायदा नहीं जहाँ लोग जाग रहे हैं, समंदर के करीब अमीरों के इलाकों में जाके उठाओ। अच्छा वहां जाके उठाऊं ताकि फिर वो मुझे ही उठवा दे हैं? ओ भाई तुझे क्या चाहिए ईदी में? सच पूछो तो वैसे इनका रिश्ता क्या? रिश्ता? हाँ भाई देखो जहाँ बेरी होगी वहाँ पत्थर तो आएंगे फिर। अब तो बेरी होती है पत्थर आते हैं, ये बात तो समझ में आ रही, तू तो डायरेक्ट ईंट फेंक रहे है। सर आप अपनी बहन का रिश्ता मुझे दे देना लाला भाई। मुझे मेरी बहन बहन नहीं है ये। अच्छा हाँ कोई नहीं है मेरी बहन। तो फिर ईदी दे दो। ईदी दे दो, ये ले एक चक्कर, 1,000 रुपए ईदी जगाने की। बहुत शुक्रिया लाला भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे लाला भाई। काय का शुक्रिया, कब से 1,000 रुपए खुले मांग रहा, कोई दे नहीं रहा। 2,500 की दे। 2,500 की? अब क्या करो लाला भाई, तुम्हारे पड़ोस वाले ने ना मुझे 2,000 रुपए दिए। मेरे पड़ोस में? और नहीं तो क्या, वो ना तुम्हारा जगाता है तू? वो तुम्हारा चौकीदार है ना, वो सोया रहता है, मैं आके जगा देता हूँ 4 बजे, उससे क्या करूँ। 1,000 में से 2,500 की दे दे मुझे। अबे क्या कर रहे हो लाला भाई, 1,000 में से भी 2,500? तो मुझे कौन सा जगा दिया तूने? अभी जगा देता हूँ। अबे हम तो जाग रहे हैं, शो कर रहे हैं, कैसे जगाएगा तू? देखो अभी कैसे जगाता हूँ तुम्हें मैं। जगा फिर। असल में हम सब सोए हुए हैं, हमें जागने की जरूरत है। हमने अपने रिश्तेदारों को बुला दिया, हमने अपनी गैरत को सुला दिया, अब हमें जागने की जरूरत है, एक दूसरे का एहसास करने की जरूरत है। जागो मेरे भाइयों, जागो। तेरी बातें सुन के मैं जाग गया। मैं अम्मी और अब्बू की भी बातें बचपन में सुन के जाग जाता था फौरन, इसलिए इनकी अकलौती औलाद था। चल निकल, 1,000 में वापस कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं चाहिए, चल निकल, ईदी है तेरी, चल बजा बे बजा कुल जल्दी। अभी वक्त हुआ है हमारे मेहमानों को बुलाने का। आपकी ढेर सारी तालियों में तशरीफ लाते हैं शेनी अजीम, जाकिर मस्ताना, परवेश सिद्दीकी। माशाल्लाह क्या घेरा दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिर्फ पैसे के मोहताज हैं।
ये तो ऊपर वाले की जात है जो आपको कर रही है। नहीं, नीचे वाला जरिया बनता है। मुझे खुशी इस बात की है कि परवेज सिद्दीकी मेरे शो के इफ्तिदा में आया। थैंक यू। ईद मुबारक आप सबको, बहुत ईद मुबारक जी। आपको भी ईद मुबारक, और मेरे बड़े हैं, इनसे ईदी ले लीजिएगा। माशाल्लाह, इनसे अभी लेते हैं, इनसे भरपूर तरीके से लेते हैं। मेरी तरफ से भी बहुत ईद मुबारक, बहुत मुबारक से आपको, बहुत। और आपको तो बस सर में पसीने आने शुरू हो गए आपको देख के। बैठे आप बैठे मैंने तशरीफ रखे हैं मेरे तीनों मेहमानों के लिए तालियां। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इतनी मुझे खुशी हो रही परवेश, अगर मुझे पता होता तो मारे तो यकीन करो मैं कभी नहीं आता। माशाल्लाह, ये क्या बात है। आप तीनों मेहमान हमारे शो में आए, खुशामदीद। आज लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमारा पहला शो है और बहुत ही ज़बरदस्त हमने स्टार्ट करना है, जो कि आप लोगों के आने से आज ये हो गया है। चार चांद लग गए हैं और तुम लोग भी किस्मत वाले हो, अपने साथ खुला चांद लेके आए हो। मुझे सबसे आपके जब सेट पे आया, मैंने देखा, विजिट किया, जाकिर आप भी इत्तेफाक करोगे मेरे बात से, जो लेजेंडरी आर्टिस्ट जो यहाँ आपके वॉल पे लगे हुए हैं ना, इसके लिए मैं आपके लिए तालियां ज़बरदस्त बेहतरीन। वैसे लाला, बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके हमें, और हमारी ये खुश नसीबी है कि आपके पहले प्रोग्राम में हम मेहमान हैं। मुझे बड़ी खुशी है। ऐसे नहीं, मैं तुम्हें पहले भी बुलाया दो तीन दफा, तुम नहीं आई। वो थोड़ी मसरूफियात थी। एक बात बताएं, आप माशाल्लाह से तीनों मंझे हुए आर्टिस्ट हैं, आप तो मांझे हुए आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। हर तरफ से मजा हुआ है, आगे पीछे सब एक जगह से। तू कुछ हैरत सदा रह गया अभी मेकअप रूम में, कसम खुदा की बहुत पीछे तक करा रहा था मैं कभी। यहाँ कौन सा कैमरा लगेगा इसको, कह रहा भाई मेरे को सेल्फी भी लेनी होती है यार। अच्छा लाला भाई, ईद का दिन है तो आपने मुझे कहा था प्रोग्राम में आना, घर जैसा माहौल मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी समझो बहन भी है, बेटी भी है। हाँ, और ये मेरे बच्चे हैं, समझ लो बीवी का घर जैसा माहौल मिलेगा। इसके सेंस ये है कि कुछ खाने पीने को मिलेगा, तो इसके घर में भी कुछ नहीं होता, यहाँ भी कुछ नहीं, कोई बात नहीं। यही कहना चाह रही हूँ कि वो मेहमान है और आज ईद के त्यौहार पे हमारे पास आए, तो कुछ खिला पिला देंगे। लेकिन खाने का मसला जहाँ तक है ना, मिठाई की बात कर रहे हो ना, मिठाई का बड़ा शौक है। अच्छा, ये मिठाई वाले की दुकान पे जाके खामा खा मक्खियां हटा रहा हूँ। वो मिठाया लगे था भाई, मक्खियां क्यों हटा रहा है, कह रहे यार लोग नहीं लेंगे, मैं भी लेते लेते रुक जाऊंगा। लाला भाई, मेरी मिठाई की बात आपने खत्म करी, चले कोई बात नहीं। मिठाई की बात मैंने खत्म नहीं की है, मैंने मिठाई इसलिए नहीं मंगाई कि आज मेरे शो में मीठे मीठे लोग आए। वाह वाह वाह। जब भी मैं कहूं कि ये शैनी पे चींटियां क्यों चढ़ रही हैं। चले लाला भाई, नुक्ती दाने नमक पारे में। अबे कितना पुराना है, बहुत नमक पारे, ये नमक सुने में मुझे 48 साल हो गए आज सुना। अरे नन्हे, ये बातें ना कर, तू छोड़ दे। नमक पारे यार, देख तुझे किसी नमक याद है? हाँ, नमक पारा याद है तुझे? इनको तो वो भी पता है जब आटा इजाद हुआ था। माशाल्लाह, ये मस्तियां तो चलती रहेंगी। आप हमारे शो में आए, आप लोग ईद का ड्रामा कर रहे हैं माशाल्लाह से। ईद हो गई मेरी। उस सेंस में इसका नाम रखा है कि दो साल से कोविड की वजह से कोई ईद नहीं मना पा रहा था, ये तो है। तो इस साल हो गई तो ईद हो गई मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। होगी, जरूर होगी और हो रही है। आप देख रहे, तीन दो दिन और रह गए, वो भी अच्छे गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा, अब आप रेगुलर ईद होगी इंशाल्लाह। ईद का प्ले जो है, जो ये नाम रखा है ईद हो गई मेरी, ये पहले याद है बचपन में जब कोई ईद ही देता था तो यही कहते थे कि ईद हो गई मेरी। अच्छा शैनी, अब बताएं कि अब आपको कोई ईद ही देता है? क्यों नहीं, अरे क्या हो गया आपको? माशाल्लाह। अच्छा आपके पास क्या हिसाब किताब है इनकी? माशाल्लाह इतनी उम्र है, इतने बड़े वाले नोट देते हैं इनको ईद में। देखिए आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो भी खाना है ना, ये एक ही दफा पूछते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नहीं पूछेंगे तो बता दें क्या खाना है। मैं नहीं पूछता फिर भाई, मेरे को जब घर में कोई नहीं पूछता मैं क्यों पूछूं। नारी मिल जाएगी, नारी नहीं नारी, आज वो सूखा नहीं नारी, दफा कर। चले जी, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूं इनके खाने के लिए। बिल्कुल राजा, खिड़की में आ जा। आ गया भाई। अबे ये कौन है सस्ता अजय देवगन?
भाईजान शाहरुख खान बोलो तो समझ भी आता है। माशाल्लाह अम्बी के घर आ रहेगा, तू कोट पहन के आ गया शाहरुख खान। नहीं, नहीं, इसको जहाँ जहाँ से जो जो चीज मिली थी मांग मांग के पहनता रहा ये भी। अरे वाह, आप पे तो बड़ी लड़ाई हुई है कि 29 हो गए या 30 हो गए, आप भी यहाँ पे थे। अरे लाला भाई, चांद बोला चांद बोला। मैं आपके पास नौकरी से रिजाइन दे रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? मैं थक चुका हूँ, महंगाई से बेजार हो चुका हूँ लाला भाई। तो इसका नौकरी से क्या ताल्लुक, खुदकुशी कर जान दे दे। हाँ? अरे 3 महीने से तनख्वाह नहीं थी, बिना वजह बुलाए जा रहे हो, ये ला दो वो ला दो, अपनी जेब से लेके आता हूँ मैं सब। तो बंदा जेब से लेके आता है, किसी और की जेब में हाथ डालेगा तो हाथ रहेगा फिर। वैसे ये गलत बात है लाला भाई। क्या हुआ, आपने नौकरी पे रखा हुआ कुछ पैसे तो दो, गरीब आदमी कब तक इस तरह चलता रहेगा। लोग कहते महंगाई बढ़ रही है, जबकि महंगाई बढ़ती नहीं है, महंगाई इधर उधर हो जाती है। 10 साल पहले समोसा 3 रुपए का था, फोन कॉल 12 रुपए की, लेकिन आज फोन कॉल 3 रुपए की और समोसा 12 रुपए का। तो बेटा फोन कॉल के अंदर कौन से आलू होते हैं, महंगे होते हैं। वही कह रहा हूँ कि भाई तू समोसे की जगह फोन कॉल कर लिया अगर, उसकी जगह वो कर लिया अगर। लाला भाई से तुम्हारे राज भी खोल दिए, तुम खाली समोसे और चाय पे चल रहे हो खाली, मुझे लगता है यही कुछ आने वाला है। नहीं नहीं, इससे भी कम। क्या वही नमक पा रहे यार, आप लोग हस्ती मजाक में लगे हुए, मुल्क के बारे में सोचो, गरीब आदमी परेशान है इस वक्त। अबे हम क्यों सोचे, अपोजिशन वाले और दूसरे सोचे, हुकूमत हम क्यों सोचे। तो क्या समझ रहा है वो शहबाज शरीफ आके बैठे हुए हैं, ये इसको समझ रहा होगा जो भाग गए लंदन। तो हमसे ये बातें कर रहा है। इस मुल्क का ना निजाम कुंवारे ही चेंज कर सकते, क्योंकि शादीशुदा तो अपने घर में चैनल नहीं चेंज कर सकता। लाला भाई मेरा हिसाब करो, मैं निकलूं। तेरा हिसाब मेरी तरफ से। ईद मुबारक। तुम्हारे पास कोई सही सलामत चीजें नहीं है, एक ये बुला लिया, एक ये जला हुआ टायर। अल्लाह माफ करे इस औरत को, मैं जानता हूँ जाकिर। अच्छा? ये वही है वायरल हुई है। कौन सी? हम नहीं देंगा, भूल जावे, नहीं देंगा। मेरी शक्ल कहो के मेरी मजाक उड़ा रहा है। अबे आराम से, खुदा की कसम, इसके अब्बा भी काले, इसकी 3 बहनें काली, इसके 4 भाई काले, घर पे लिखवाया व्हाइट हाउस। अच्छा परवेश, मैं समझा था तुम अकेले आयो, मुझे नहीं पता गांव से तुम्हारी फुफो भी आई हुई है। आई मेरा बेटा है। नाक तेरी मिल रही है दोनों की, देखो इसकी भी फैली हुई, तेरी भी। तेरी बड़ी अच्छी है, सलमा आगा जैसी है। अच्छा ये बताए, जिसे किसी ने ना कन्ने डाले पतंग में यूं करके। ये बताओ कि मेकअप कहाँ से करवाती हो? मेकअप ना मैं खुद करती हूँ, बेहतरीन, अच्छा, A+। हाँ, वो इधर बैठती है चूल्हे के उस तरफ, इसका बेटा बैठता है, ये फूक मारता है, उसका बेटा ये मुंह निकलता है। मेकअप केच करती हूँ। क्या काम क्या करती हो? काम पे लगा दो, कुछ नहीं करती, बस यही करती रहती हूँ। असल में मसला ये है, जाकिर भाई शहनी परवेज, ये हमारे शो की रौनक है, ये हमारे वेटर हैं। अबे तो कोई चमकते हुए रौनक रखो, तुमने तो अल्लाह माफ करे अथोपिया से बुलवाया गया। ये मैं आपको बोला कि शेरशाह का सामान आया हुआ है। चाहे तो कब बोल रहा, जो रात में चश्मा लगा के फिर रहा है, वेल्डिंग करना आया क्या यार? अच्छा मुझे एक बात बताएं, रशीदा खाला ईद का दिन है, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे कपड़े पहन के आई, ये सलवार छोटी है या अचानक कद बढ़ रहे आप? मैं हर 1 घंटे बाद मेरी हाइट निकलती है। अच्छा हाइट निकलती है। अच्छा खाला ये बताइए, आप कमेटी डालती हैं? मैं खुद कमेटी में हूँ। खाती है लोगों की कमेटी डालती है, लेकिन पहले कमेटी लगती है ना, पहली कमेटी लेके भाग जाती है, कमेटी टूट गई, कमेटी टूट गई, देख ऐसी औरतें होती है। और तो चाहता पाई। वैसे इस वक्त बिल्कुल बुझी हुई चिंगारी लग रही है। खुदा की कसम मुंशी की अम्मी लग रही है। भाई क्या बंदे का नाम ले लिया, मौत का फरिश्ता उसको अपना नंबर देके गया, जब दिल चाहे मुझे मिस कॉल दे दो बस। चले आप, बहुत अच्छी अच्छी बात है। खाने का छोड़ो, ईदी लो इनसे पहले। भाई छोड़, खाना मेहमान है, मोबाइल निकाल, खाना ऑर्डर करते, मोबाइल निकाल। ये लो। खुदा का मारा, तुम लोगों ने बातों बातों में खाना, ऑनलाइन खाना, ऑनलाइन खाना। नंबर बता 15। अब 15, इंसान का बच्चा बंद हो, थाने में जाके खाएंगे क्या? बैल जारी तो पहुंचा। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, चिकन है? चिकन चाओ चाओ है, मेरी बात कराओ जरा। हाँ, बात करा दो, इससे पहले कि चिकन से पहले अंटी अंडा दे दें। हाँ, ये एक काम करो, ऑर्डर कर ले 1 किलो। ऑर्डर का आपने ऑर्डर कहाँ लगाया है? ये खाने का चिकन सैलानी के पास, किसी बाबा के लंगर में लगा दे तू। नहीं, मैंने होटल में, अच्छे वाले होटल में। हाँ हेलो, एक किलो कढ़ाई कर लो मटन की। ये अच्छी बात है यार। और पराठे कितने? 15 बोलो। 6 बहुत है, आधा मैं खाऊंगा, आधा ये 4 इनकी। और गाला एक पजामा भी कढ़ाई वाला ले। हाँ, और पजामा 6 रोटियां ले लो, 6 पराठे और सैलेड और चटनी और नींबू। है क्या
नींबू नहीं है, ऑर्डर कैंसिल। इतना ऑर्डर कर दिया नींबू के चक्कर में, ऑर्डर कैंसिल। अबे आने दे दी, हम अपने नींबू निचोड़ लेते, हम लेके आए गाड़ी में। भाई नींबू तो मैं खाऊंगी ना। ये बताएं आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम गुड्डो, ये थे मिलो थे कुट्टो। आई जाकिर एक बात बता। जी अम्मा। तो शादी करना चाहता है ना? बस वो आज जा रहे, ईद का दिन है और ये एक काम जो है मैं कह रहा हूँ, इस खुशी में खुशी दुबाला हो जाए। माशाल्लाह, और इलाज भी मुकम्मल हो गया। ये पहले तबीयत ठीक था ना इनको? चुप हो जा। अच्छा बता तुझे किस किस्म की लड़की चाहिए? बस जिंदा हो। मेरा मतलब है कि लड़की, बस अब यकीन करो ना कि बस मेरी तरह हसीन हो, बस ये समझ लो। माशाल्लाह, यानी कि वो भी गंजी हो। खाला इसके लिए कहीं भी किसी भी लड़की पे हाथ डाल दो चलेगी। नहीं नहीं लाला भाई, वो तो बात चल रही तो बीच में नहीं करो ना तो आप लोग। मतलब कोई डैमेज पीस तो नहीं चाहिए ना? डैमेज चाहिए होती तो। अच्छा, और पढ़े लिखी भी होनी चाहिए। अच्छा, पढ़े लिखे के अलावा यहाँ की हो या युगंडा की हो? देखे जो मेरा मयार है, जो मेरा मकाम है, जिस तरह का मैं हूँ, मतलब ये कि वो युगंडा या अमेरिका वगैरह या मिस्र की हो तो और अच्छा चलेगी। आपको लियारी वाली मुंह ना लगाए, आप युगंडा की बात कर रहे हो? अपने घर की बात ही करना, तू काम हो रहा होने दे यार, चल होने दे यार। एक बार बता के पढ़ी लिखी कितनी होनी चाहिए? भाई वो ये पढ़े बस को कहीं भी पढ़ी हुई हो। पढ़ी की बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, मतलब मैं गिनती विनती आती क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन गिनती विनती आती हो उसको, एक से लेकर दस तक गिनती आती हो? गिनती विनती आती हो, ये तनख्वाह लाए तो गिन ले, मतलब ABCD ना 100 तक आती हो? हाँ। अच्छा तो और क्या खूबी है? 6x6 हो सेहत में? हाँ हो, स्मार्ट हो मेरी तरह, और ये कि उम्र कम से कम उसकी बहुत ही अगर ज्यादा होती है तो 18 साल भी चलेगी, चलो गुजारा है, ठीक है। दूर फिट है मुंह, तूने एक इधर लगा दिया, इधर लगना था। लो भाई, परवेश भाई कुछ जहन में है उनके? हाँ, ये लड़की इनके लिए, इनकी लड़की का इंतजाम हो गया। मुबारक हो, ये सारी खूबियां उसमें है। अच्छा, खूबियां उसमें है। मिलवाओ मिलवाओ मिलवाओ। पता है कौन है? मैं खुद। अब काजी बुलाओ, करा दो। खुदा की कसम मैं सही बता रहा हूँ, इन दोनों की शादी होगी, बच्चे पता कैसे होंगे? ये काली, ये थोड़ा सा गोरा, बच्चे सुरमई, बेहतरीन हो गया। मैं खाने का इंतजाम करूं? पर नहीं नहीं, मैं खुद काजी हूँ, तुम्हारा निकाह पढ़ा के जाऊंगा। आगे मैं छोड़ मत, पढ़ा दे पढ़ा दे पढ़ा दे। अच्छा एक मिनट, गवाह भाई, ये गवाह भी आ गया, एक गवाह वो है। एक मिनट क्या करोगे? तीन चार इन दोनों की शादी? नहीं तीन चार क्या बोला? कल मैं पढ़ा के, तो ये तो मुसलमान हो जाएगी फायदा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात कर रहे हो? निकाह पढ़ा दो, निकाल रजिस्टर निकाल लो, क्या रखा हुआ है? अम्मा खुदा को मानो, तुम्हारे बच्चों की तरह हूं मैं, क्या ना करो? क्या हो गया तुम्हें? इतनी हसीन औरत मिल रही है और तुम नाशुक्री कर रहे हो? हमारे टाइम बच्चों की तरह, तेरा आखिरी जुमा चल रहा है। एक मिनट अम्मा, देखो सपोर्ट करो, तुम्हारे क्या इरादे हैं? ऐसे ही हो जाए तो तुम शोक हो जाएगा, क्या होता है? मैं तुमसे शादी करूंगी, इससे बेहतर है मैं किसी कुएं में छलांग लगा के मर जाऊं। मर जाऊं, मर जाना किसी गंजे के काम ना आना है। और यही बात मैं तुझे कह रहा, तू भी मर जा, मेरे काम नहीं आना। क्या बात डॉक्टर भाई, ये बात अच्छी गई है भाई। तुम लोग को शोहर चाहिए या कोई मजदूर चाहिए? माशाल्लाह, अम्मा जेरे तामीर है। ये बताओ कि ये चेयर अपने साथ क्यों लाई हो? ये अंधी हो गई, इसको पता नहीं चेयर है क्या। माशाल्लाह, सारे कीड़े झाड़ लिए। अरे सुन तो, ये मोड़ा है मोड़ा, देख आजकल जो है ना कुर्सी का ही फड्डा चल रहा है, तो मैं अपनी ना चेयर गोभी कह ले मोड़ा मैं अपने साथ लेके घूमती हूँ मैं। चलो रशिका खाला छोड़ो, तुम्हारे रिश्ता मैं करवाता हूँ, ये मैं इसके साथ लेके जाऊंगी। क्या धक्का मार के चलना पड़ेगा? चलो भाई, अल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। ये दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह माफ करे, अजीब काले बदल। परवेश भाई अपना लाला भाई, आपको ये है और भी है? कैसे लगे हमारे ये? बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत अच्छा। परवेश तुम माशाल्लाह पड़ोसी मुल्क में गए, तुमने बेशुमार काम किया वहाँ पे, वहाँ के काम को और यहाँ के काम को क्या देखते हो, किस नज़र से देखते? दोनों मुल्क बहुत ज़बरदस्त हैं, हमारा मुल्क अपने बजट के हिसाब से हर चीज़ कर रहा होता है, उसकी वजह ये देखें उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। ये जी जाकिर भाई, आपसे सवाल ये है, माशाल्लाह आपने इतने थिएटर किए हैं, इतने सारे एक्ट किए हैं आपने, तो सबसे ज़्यादा आपको कौन से करेक्टर में करने में मज़ा आया? देखिए जी, बात यह है कि करेक्टर बेशुमार किए, लेकिन हर करेक्टर करके ऐसा लगा कि यार दोबारा करें तो अच्छा हो जाएगा, दोबारा करें तो अच्छा हो जाएगा। तो आप दोबारा करते क्यों नहीं है? अच्छा लाला भाई, आप करवा भी तो नहीं, देखे ना पहले थिएटर होता था, आप और शकील सिद्दीकी भाई हमेशा साथ होते थे, ठीक है, अब आप ड्रामा कर रहे हैं ईद पे,
अलग आर्ट काउंसिल में ही हम नहीं, मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, शकील भाई हमारे साथ आ गए, शकील भी मेरे साथ ही है और साथ ही रहेगा जिंदगी भर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मजा आएगा काम। हाँ थोड़ी उसकी मसरूफियत है, वो लाहौर में बिजी है, मैं यहाँ बिजी हूँ। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम कुछ आर्टिस्टों की आवाज आपको सुनाएंगे, उन आर्टिस्टों के साथ मेरा ख्याल है आप लोग काम भी कर चुके हैं, अब आपका जहन कितना है, आप लोग कितने जहीन आर्टिस्ट हैं कि उनकी आवाज पहचानते हैं। हाथ उठा दे पहले, ये आप हाथ जिसको आए वो हाथ उठा दे, इसमें इनाम है, इनाम मिलेगा इंशाल्लाह, इनाम मिलेगा। और उसके साथ ये है कि जो बताएगा सही उसका पॉइंट होगा, एंड में जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो जीतेगा, यानी कि आप तीनों का आपस में कॉम्पिटिशन। आवाज तीनों ने पहचाननी है, 1 2 3 बताए कौन है। दुनिया में ये चौथा कदम, ओ चौथा कदम। हाँ जी, दो लोग आ रहे हैं मेरे ज़हन में, दो नहीं एक ले आ गया ना, दो क्यों ले, मोइन अख्तर साहब, मोइन अख्तर। एक पॉइंट आपका, एक पॉइंट आपका हो गया, इसका मतलब है जाकिर भाई आप अपने एक्टरों को देखते नहीं है। नहीं नहीं, मेरा ज़हन कुछ अब दोबारा ये गान लगाए। ये अच्छा है। चले जी, अब आर्टिस्टों को पहचानना है आपने, नेक्स्ट। क्या किया तुमने, क्या किया, इस बात पे थके हो क्या तुम, ट्रेन तुम चला के लाए जाकिर भाई। मैंने पहले मैंने पहले वो पानी में डूब नहीं रहा, उसने हाथ उठाया। उमर भाई क्या बात है, एक पॉइंट आपका हो गया, एक पॉइंट आपका हो गया, और आप औरत होते हुए आपका कोई पॉइंट नहीं। मैंने एक पॉइंट तो रखे जहां हम आके मिले आपसे, वो पॉइंट तो रखे। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई साहब, दुआएं दूंगा सुबह शाम तुझे भाई साहब। ओके ओके समझ गया, सिकंदर सनम, क्या बात। मैंने इनसे कहा था कि कोई ऐसी आवाजें लगाना जो पहचान ना सके, तो सब आसान है, इजी है। आप तीनों का एक एक पॉइंट हो गया, आपका कोई भी पॉइंट, आप दोनों मर्दों का, और आपका जो है ना वो पैराडाइज पॉइंट हो गया मेरे। यानी लाला इनका टाई हो चुका है, अब एक फाइनल होगा, कोई भी बता दो। अच्छा जी, हाँ अच्छा लगा दे। मैंने मुनव्वर ज़रीफ, आपने सुना नहीं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। झूठ है लाला भाई, मैं आपको साबित करके बता सकता हूँ। इधर कोई तकरीबन कराची में 8 लाख लोग जो है ना कामयाब है, तो एक औरत का हाथ कैसे होगा सबके पीछे। नहीं हो, औरतों में तो बहुत नाकामी में हाथ, वो औरत मुझे बताओ जिसके हर कामयाबी के पीछे उसी का हाथ जा रहा है। औरत के बगैर कायनात में रंग ही नहीं है। शेनी बिल्कुल, आप जीत गई, आपको 2 पॉइंट मिले, इनको 1-1 पॉइंट मिले। क्या मिलेगा है, क्या मिलेगा, इनाम आपके लिए मैंने रखा हुआ है इंशाल्लाह, आपको अभी मैं देता हूँ, शायद 25 रुपए वाली आइसक्रीम है, बेहतरीन माशाल्लाह, वो जबान लाल करने वाली, ऑरेंज कर दी। हाँ, लेकिन वो भी आज नहीं मिलेगी, वो पूरी लेकिन मिलेगी नहीं आज, क्योंकि बहुत सारी आइसक्रीमों के नीचे रखी। हाँ हाँ हाँ, वाह आराम कर रही हैं, आपके घर डिलीवर हो जाएगी। बहुत खुशी हुई और दिल बाग बाग हो गया, आज पहला एपिसोड था। नाजरीन आपको यकीनन पसंद आया होगा, हमारे ये मेहमान आज हमारे शो में आए, हमारे शो की शान बढ़ाई। ईद का दिन है, आप हम आप सबको ईद मुबारक हो। मैं चाहूँगा आप तीनों लोग आए हैं तो सबसे पहले मैं ही अपने ड्रामे का कह दूँ, हमारा ड्रामा लग रहा है ईद के खिलाड़ी एयर कंडीशन हॉल आर्ट काउंसिल में, अब आप लोग भी कुछ कह सकते। हमारा ड्रामा भी आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, और हम सीधे ड्रामे ईद हो गई मेरी, हमारी दुआ है कि आपका शो भी सुपर हिट जाए और हमारा ड्रामा भी सुपर हिट जाए। अल्लाह ताला सबको रोजी रोटी। ईद हो गई मेरी, मैं पता भी तो बता दूं, ओपन एयर आर्ट्स काउंसिल कराची में जरूर आएगी पूरी फैमिली के साथ। 2 शो है, पहला 7 बजे होता है और दूसरा जो है वो 10 बजे होता है। ये परवेज सिद्दीकी की बात को मैं सेकंड इसलिए करूंगा कि 2 साल कोविड रहा, इसके बावजूद हमने ड्रामे नहीं किए, फिर 1 साल का वक्फा, 3 साल बाद ईद आ रही है और 2 ड्रामे हो रहे हैं कराची शहर में, तो आप लोगों ने आना है और हमारे ड्रामों को कामयाब करना है। इनका ड्रामा हमारा है, हमारा ड्रामा इनका है, मैं अपने यहाँ काम करके पेमेंट लेने इनके यहाँ चले। बहुत अच्छा लगा आप लोग का आने से, मैं कहता हूँ कि अब इख्तिताम भी ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल धमाकेदार।
एक माइक दे दें मुझे, आप लोग को रुखसत करूंगा अपने अंदाज से, और आपने जाते हुए अपना अंदाज दिखा देना है, थोड़ा सा हल्का हल्का माशाल्लाह से, जो तेरा काम है। अब तो छोड़ दिया। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले। वो दूसरा कौन सा पठान का था, वो दूसरा I'm sorry.